की कर रहे हो जनाब, बह के माफिया मांग रहे हो? और सारे बच्चे छोटे छोटे घर तेला ने जी लग गई है, इन्होंने वाइट सूंघ दी पाउडर बीबी है। हाँ जी छड़ दे यार, तेरी मेहरबानी यार। रो रहा है नाजिन, ये देखें शोहर रो रहा है। ले ना यार। हाँ जी मैं तेरे पैरों नु हाथ लाया जे। ओहो मेहरबानी छड़ दे नु। बच्चे रो रहे होने? हाँ जी सारे रोंदे बच्चे, ना दादी ना दादा उन्होंने संभाल लेना, कोई नहीं मैं कला वहां काम ते भी जाना होता है। कितों दा नशा कर रही है? मैं सारे 2 साल हो गए। शोहर प्यार करता बहुत ज्यादा, यानी कि शोहर ने जो पैसे घर पे ला के दिए आपने नशा कर लिया? ऐसे ही है, छोड़ दे नशा। छोड़ दूंगा, आप घर चले जाओ। चले जाऊंगी जैसे आप कहते ऐसे ही करूंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अक्षत आका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं देखो टीवी। नाज़रीन इस वक्त एक जोड़ा बैठा हुआ है और माफ़ी मांग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, की कर रहे हो जनाब, बह के माफिया मांग रहे हो? और सारे बच्चे छोटे छोटे घर तेला ने जी लग गई है, इन्होंने वाइट सूंघ दी पाउडर बीबी है। हाँ जी ते मैं ते ले ना यार। हाँ जी मैं ते पैरों नु हाथ लाया जे। ओहो मेहरबानी छड़ दे नु, चल घर वापस बच्चियां च। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शोहर आपको लेने आया, आप नशे की लानत पे लग गई हैं, क्या मसला है, घर क्यों नहीं जा रही? चली जाऊंगी, आप छोड़ दोगे इनके कहने पे? यार बस कर दो छोड़ दो। ये देखें ये शोहर है और ये अपनी वाइफ को लेने के लिए है। बच्चे रो रहे होने? हाँ जी सारे रोंदे बच्चे, ना दादी ना दादा उन्हों का संभाल लेना, कोई नहीं मैं कला वहाँ काम ते भी जाना होता है। कितों का नशा कर रही है? मैं सारे 2 साल हो गए। घर कभी यानी कि जरा मना नहीं किया? है 3-4 महीने हो गए मना तो करी, हम की कर सकते हैं? दसो नाजिन लभदे लभदे आए? हाँ जी सर मैं 3 दिन हो गए लभ रहे, अज लभी। आप क्यों नशा करती हैं, छोड़ क्यों नहीं देती? छोड़ दूंगी आप। कितने बच्चे हैं? 4। 4 बच्चे हैं? बेटे, 2 बेटियां। 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। शोहर आपका लेने के लिए आया और आपके पाँव में बैठा होगा, नशा छोड़ दें? कब से कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? वैसे ही बस लग गया। छड़ दे यार, तेरी मेहरबानी यार। रो रहा है नाजिन, ये देखें शोहर रो रहा है और अपनी ये बेगम को लेने के लिए आया और ये नशे की लानत पे लग गई है। मेरी बहन घर से क्यों निकली हो, क्या ये पैसे नहीं देता, क्या चक्कर है मुझे बता? नहीं नहीं सब कुछ देता है। तो फिर नशा क्यों करती है? बस लग गए है ना। लग क्यों गए हैं, कोई वजह होती है यानी कि ज़िंदगी में कोई इंसान को रोग लग जाता है उसकी वजह से? शोहर भी आपको इतना प्यार करता है और आपके पाँव में बैठा हुआ है और आप नशा कर रही हैं? नहीं आप छोड़ देना, ये अच्छी चीज़ तो नहीं है ना? नहीं अच्छी चीज़ नहीं है, इंसान को एक दूसरे से बहुत दूर करती है। शोहर प्यार करता है बहुत ज़्यादा, तो फिर प्यार करता है तो फिर आप जो है ना यानी कि वो रो रहा है बेचारा, इसके प्यार में छोड़ देना है मैंने नशा। वो कह रहा है इसको मैं रोकता हूँ, घर से निकल जाती है, क्यों ऐसा करती है? बच्चों का एहसास नहीं है आपको? होता है लेकिन ये नशा इतनी बुरी चीज़ है ना, ये इंसान को अपने पीछे खुद खींच के ले के आता है। अच्छा कौन सा नशा करती है? वाइट। वाइट का यानी कि शोहर ने जो पैसे घर पे ला के दिए आपने नशा कर लिया? ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो कितनी मेहनत से कमाता है? ऐसे ही। काम क्या करते हैं? मैं मुर्गियों की दुकान करता हूँ। मुर्गियों की दुकान? हाँ जी मुर्गियों की दुकान है जी। वो बेचारा सारा दिन वहाँ पे मजदूरी करता है, पैसे आपको ला के देता है, आप जनाब नशे पे उड़ा देती है, अच्छी बात तो नहीं? नहीं मान भी रही है। 4-4, 5-5 ला देता हूँ, बच्चों को खिलाए खुद खाए कुछ खाए पिए नशा कर लेती है जी। अब उसको पता हो क्या करना है क्या नहीं। अब घर चले हो आप? चली जाऊंगी। कब से मना रहे? नहीं चलो साथ चलो। हाँ साथ चलो, मेरे चली नहीं जाऊंगी, चलो साथ उठो भाई। ये कब से ढूंढ रहे हो, ये पहले भी ऐसे घर से निकल आती है? 2 बजे तीसरी बार निकली घर से, बस अब नहीं निकलेगी ये घर से, ये वादा कर रही है। गलत बात है। हाँ ये बात सही, गलत बात है। बच्चे आपके जो है ना यानी कि वो आपकी 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 राह जो है ना यानी कि वो तकरी है, छोड़ दें नशा। छोड़ दूंगा, आप घर चले जाओ। चले जाऊंगी जैसे आप कहते ऐसे ही करूंगी। नहीं आप घर जाएं, देखें ये अच्छी चीज़ नहीं है, लानत है, ठीक है ना? और आप इस पे लगे हुए हैं नशा कर रहे हैं, ये अच्छी चीज़ तो नहीं? नहीं अच्छी चीज़ है, सही बात है। आपसे आपका शोहर आपके पाँव में बैठ के आपकी मिन्नतें कर रहा था, ये प्यार की निशानी है, वो आपसे मोहब्बत करता है। मुर्गी की दुकान है उसकी। नाजिन ये शोहर है जी, ये शोहर है और ये अपनी बीवी को लेने के लिए आया। अब ये मेरी बहन नशे पे लग गई है, नशा करती है, अब ये घर से निकली हुई थी, अब ये इसको इसके बकौल इस भाई का कहना है कि 3 दिन से इसको ढूंढ रहा है।
और आज ये इसको मिली और वो भी हमने अचानक इसको देखा, इसके पाँव में बैठा हुआ था। तो ये लम्हा फिक्री है, लेकिन आप घर चले जाएं, आप ठीक हो गया, चले जाएं, बच्चों का ख्याल करें, बच्चों का सोचें। ओके, ये छोटे छोटे बच्चे क्यों ऐसा, यानी कि मुझे एक बात तो बताएं कि अगर नशा ना करें तो क्या होता है, क्या है, घर पे रहने को दिल नहीं करता, बताएं जरा। ये टिक टिकी होती है बस, जब तक स्नैक लगाओ ना जिसम ठीक नहीं होता है, दर्द वगैरह होती है, थड़क वगैरह होती है, बहुत बुरी इसकी बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए जब इसको कर लो फिर सुकून हो जाता है, फिर हर चीज़ अच्छी लगने लग जाती है, कमर महज हो जाता है हर तरफ से, यही बात है बस। अब आप घर चले जाएं इसके साथ, ठीक हो ले जी, वो कह रही है मैं घर जाने के लिए, बात ठीक है, इसकी मेहरबानी, आप इसको लेके इसको घर चले ना दें। ये देखें, अब ये मेरी बहन नशे पर लग गई हुई है, नशा करती है, घर से भागी हुई है, अब ये शोहर पीछे पीछे और मिन्नतें कर रहा है, तरले कर रहा है कि जनाब घर चलो, मेरी जो है ना अपनी बेगम साहिबा को लेने के लिए आया हुआ है। तो ये लम्हा फिक्री है, हमारी नौजवान नस्ल जो है वो बर्बाद हो रही है, इस नशे पे लग गई हुई है, लेकिन हुकूमत इसकी रोकथाम के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही, और हुकूमत को भी चाहिए कि इंतज़ामिया को भी चाहिए कि इसको ऊपर के लेवल तक सोचें, जहाँ से ये आ रहा है, अब ये तो लग गए हुए हैं, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए कोई इकदाम करें। अब ये लोग जो लग गए हुए हैं, इनके लिए कोई अदारे हैं जो कि इनको ले जा सकें, इनका इलाज करवा सकें, तो खुदारा हुकूमत को चाहिए कि इस पर एक्शन लें और इस लानत को जो है वो ख़त्म किया जाए, तो खुदारा इस पर एक्शन लिया जाए। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए देखो टीवी।